हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12th of July से लेके 18th of July तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Seven of Scepters, Four of Skulls, Three of Grails, Nine of Scepters, and Eight of Grails. Okay. So हमारे पास है Three of Grails. Three of Grails क्या होने का मतलब है कि लगता है जैसे कोई ये pretend कर रहा है कि वो अपने किसी नए रिलेशनशिप में खुश हैं, या फिर आपसे दूर जाकर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता खास। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो डिजायरेबल है, वो वाकई में इस लायक है कि उन्हें कोई प्यार करें। शायद ये पर्सन इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गया है कि आपने वाकई में उनसे दूरी बना ली है। ओके, मे बी आप इनके किसी टॉक्सिक बिहेवियर से तंग आकर अब चूज कर रहे हैं अपने मेंटल पीस को, या फिर आपने अपने लिए कोई नया रास्ता ढूंढ लिया है। इस पर्सन को लगता है कि यह कैसे पॉसिबल है, आपके जैसा लवर आखिर क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है या क्यों उन्हें इग्नोर कर रहा है। इस पर्सन को आज से पहले यही लगता था कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बट अब इस पर्सन को रियलाइज हो गया है कि शायद आप थक चुके हैं कॉम्प्रोमाइज करते करते। नाउ ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज्यादा रेजोनेट हो सकती है जो इस वक्त किसी सेपरेशन में है, या मे बी वो लोग जो शायद किसी में इंटरेस्टेड है बट वो पर्सन जैसा लगता है कि दूसरे में इंटरेस्टेड है, दूसरों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है या प्रायोरिटी दे रहा है। ये पर्सन दरअसल आपके साथ एक माइंड गेम खेल रहा हो सकता है, क्योंकि सेवन ऑफ सेप्टर्स के साथ इस पर्सन को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि आप उनकी तरफ वैसे अट्रैक्टेड नहीं है जैसा वो चाहते हैं। ये पर्सन चाहता था कि आप उन्हें चेज करें। ओके, आप उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करें, आप ही कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, आप ही सारी चीजें अपनी तरफ से हैंडल करें। बट अब जब ये नहीं हो रहा तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि वो इतने इरेजिस्टेबल नहीं है आपके लिए कि वो आपसे ऐसा कुछ करवा सके या आपको मजबूर कर सके उन्हें चेज करने पे। सो ये पर्सन ऐसे एक तरीके से अपने अंदर की वीकनेस या अपने इंसल्ट की तरह देख रहा है। ये पर्सन इस पॉइंट पे ये फील कर रहा है जैसे कि अगर वो आपको इग्नोर करते हैं या ट्रिगर करते हैं किसी नए पर्सन के क्लोज जाकर तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बट एट द सेम टाइम उन्हें लगता है कि ये वर्क करेगा, उन्हें लगता है कि आप हर्ट होंगे मगर आप शायद इतने मजबूर हो जाएं कि आप उन्हें अप्रोच करें और उनसे कहें कि उन्हें किसी और को डेट नहीं करना चाहिए या किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं या आप उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। सो ये पर्सन कुछ इस तरीके की सोच इस वक्त रखता है। ऑल्सो फोर ऑफ स्कल्स के साथ लगता है जैसे इस वीक में ये पर्सन बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करने वाला है। ये पर्सन आपको लेके पोजेसिव भी है। ओके, ये जो सोच है कि आप उन्हें अप्रोच कर लें, आप ही सब कुछ हैंडल कर लें, इसके पीछे वजह ही ये है कि ये पर्सन आप पे ही फिक्सेटेड है। ओके, इनका टारगेट आप ही है। जब बात आती है लव की, ये पर्सन जानता है कि उन्हें क्या चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करना चाहते या अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। सो वेट कर रहे हैं कि कब आप कुछ कहेंगे, कब आप उन्हें अप्रोच करेंगे। ऑल्सो आपका उन्हें अप्रोच नहीं करना एक तरीके से उन्हें थोड़ा सा इंटिमिडेट भी कर रहा है। उन्हें लगने लगा है कि शायद वो इतने अट्रैक्टिव है ही नहीं कि उन्हें कोई अप्रोच करें। सो एक तरीके का वैलिडेशन भी चाहिए इस पर्सन को कि अगर आपसे उन्हें वो अटेंशन नहीं मिल सकता तो दूसरों से जरूर मिलेगा, वो इस काबिल है, वो खुद को भी अप्रूव करना चाहते हैं और आपको भी। सो इस वक्त इनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है जो कि बिल्कुल ही इल्यूजनरी है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, पर ये पर्सन बहुत सारी चीजें अज्यूम कर रहा है।
ऑल्सो नाइन ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है, तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे जब से आप आई हैं उनका उनके ऊपर कुछ खास कंट्रोल नहीं है। चाहे बात हो पॉजिटिव करने की या नेगेटिव करने की, हर चीज के पीछे वजह आप ही होते हैं। इंस्पिरेशन उन्हें आप ही से मिलती है, नॉट लाइक कि वो आपको देख के कोई नेगेटिव काम कर रहे हैं या कोई पॉजिटिव काम कर रहे हैं। इस पॉइंट पे बस ये पर्सन ये सोच के कोई भी एक्शन ले रहा है कि किस एक्शन से उन्हें आपका अटेंशन मिल जाएगा। अब वो कोई पॉजिटिव चीज हो या टॉक्सिक चीज, उस चीज से इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ता। ये फिलहाल इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, फोकस हो गए हैं खुद पे। सो ये नाइन ऑफ सेप्टर्स वाला कार्ड उन्हें ये महसूस कराता है जैसे कि अब वो आपको भूल नहीं सकते, आप उनकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि अब वो अपनी खुशियों के लिए आप पे डिपेंडेंट है। आप अगर एट ऑफ ग्रेस वाला कार्ड देखें, ठीक नाइन ऑफ सेप्टर्स के बगल में, तो इस पर्सन के पास एक एम्प्टी कप है। वो कप दर्शाता है रिसीविंग एनर्जी को। इस पर्सन को फिलहाल लव चाहिए, इस पर्सन को फिलहाल अटेंशन चाहिए, इस पर्सन को ये सब कुछ आप ही से चाहिए। इवन इफ ये पर्सन दूसरों में इंटरेस्टेड लग भी रहा है, तो वो बस एक कोशिश है हैप्पीनेस खोजने की, लव खोजने की। बट उन्हें पता है कि उन्हें ये हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली जब तक कि वो कुछ ऐसा नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। ऑल्सो अगर आप देखें तो इस पर्सन के सर पे ये क्राउन है, तो ये पर्सन अपने बारे में बहुत हाईली सोचता है। इन्हें लगता है कि ये क्लोज टू परफेक्शन है और ये जो चाहे इन्हें वो मिलना चाहिए, वो ये किंग है। दो, उन्हें लगता है कि ये पुरानी बात हो गई। ओके, उन्हें लगता है कि वक्त के साथ शायद आपने उनमें इंटरेस्ट खो दिया है या कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आप उनसे इतने दूर हैं। ये पर्सन एक्चुअली ये नहीं समझ पा रहा कि कहाँ इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है, कौन सी चीजें उन्हें फिक्स करने की जरूरत है। ये पर्सन पूरी तरीके से फोकस्ड है कि आपका क्या रिएक्शन है बस इस पर। ओके, वो क्या कर रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, मतलब कि आप ऐसे रिएक्ट करें, उस पर यह पर्सन ध्यान नहीं दे रहा और वही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। चलिए देखते हैं आगे क्या मैसेजेस है। और वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट भी नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। एवीज, टू ऑफ नाइव्स, टू ऑफ सेप्टर्स, टेन ऑफ नाइव्स, क्वीन ऑफ स्कल्स एंड थ्री ऑफ सेप्टर्स। ओके, सो हमारे पास है टू ऑफ सेप्टर्स। टू ऑफ सेप्टर्स के होने का मतलब है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और इस बात से ये पर्सन अच्छी तरीके से वाकिफ है। टू ऑफ सेक्टर्स दर्शाता है इस पर्सन के मेंटल हेल्थ को भी, जो इस वक्त मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं नजर आ रही। टू ऑफ नाइव्स के साथ इनफैक्ट ये पर्सन सोच रहा है कि शायद वो ट्रुथ से भाग रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं उनकी सोल उनसे कह रही है कि जो मिस्टेक्स उन्होंने की है उसे ठीक करना ज्यादा जरूरी है बजाय आपसे उम्मीद रखने के, बजाय आपको ब्लेम करने के। ओके, ऑल्सो क्वीन ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो ये पर्सन ये भी जानता है कि आपके पास सवाल है पूछने को एंड वो जो कुछ भी कर रहे हैं या जो उन्होंने पास्ट में किया है उसका एक्सप्लेनेशन आप उनसे जरूर मांगेंगे। आप प्रैक्टिकल है और जानते हैं कि क्या क्यों हो रहा है। सो वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते या ये उम्मीद नहीं कर सकती कि आप पुरानी चीज़ों को यूं ही भूल कर एक नई जर्नी स्टार्ट कर देंगे। हालांकि नई जर्नी स्टार्ट करने का मन बड़ा है इनका, थ्री ऑफ सेक्टर से वो क्लियर हो रहा है। ये पर्सन चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप दोनों फिर से रिकन्सिलिएशन करें और एक दूसरे के पास आए। ऑल्सो टेन ऑफ नाइव्स इनकी सफरिंग को दर्शाता है, ये पर्सन हर्ट है एंड इस प्रोसेस में ये आपको भी हर्ट करते जा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्म विद रेवन, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है ट्रांसफॉर्मेशन का और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होता। सो
इसीलिए इतने अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बट धीरे धीरे ये सिचुएशन ओवर होगी और आपको पता चलेगा कि यह ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे के लिए ही हुआ। आप स्पिरिचुअली इससे ग्रो कर रहे हैं और आपके पर्पस भी पूरे हो रहे हैं जीवन के और ड्रीम्स भी। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।